हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करें कि कैसे आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को फेसबुक या यूट्यूब पर लाइव शेयर कर सकते हो। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुना है। इस स्क्रीन को जो आपके सामने ये पूरी स्क्रीन दिख रही है, यानी इसको आप कहीं पर भी लाइव शेयर कर सकते हो। यानी आप स्क्रीन पर जो कुछ भी काम कर रहे हो, जैसे आप वीडियो गेम खेल रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, एवरीथिंग आप कुछ भी शेयर कर सकते हो कहीं पर भी। तो ये बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। चलिए मैं आपको बताता हूँ ना यार, मैं बैठा हूँ ना आपके लिए, आपका भाई। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा गाइस, तो मैं आपको वो सॉफ्टवेयर बता देता हूँ। आपको यहाँ पर टाइप करना है गूगल में आके OBS स्टूडियो, जो भी आपका सिस्टम है आप उसका नाम भी लिख सकते हो। जैसे मेरे पास 64 बाइट विंडोज 8.1 है, तो मैंने ये नाम लिख दिया। आपके पास विंडोज 10, विंडोज 7, कुछ भी आप नाम लिख सकते हो अपना। उसके बाद में आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद में जो सबसे ऊपर वाली साइट, इस पर क्लिक करना है। वैसे मैं साइट का डायरेक्ट लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करके डायरेक्ट इस साइट पर भी आ सकते हो। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक विंडो का और एक मैक यानी एप्पल का। तो आपके पास जो भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल का या विंडो का, तब सेलेक्ट कीजिए। मेरे पास विंडो का, तो मैंने विंडो का सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में सिंपली आपको यहाँ पर डाउनलोड इंस्टॉलेशन पर क्लिक करना है। ठीक है, इसके नीचे आपको दो ऑप्शन भी दिए। अगर आपका सिस्टम 32 बाइट पर वर्क कर रहा है तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड जिप मोड में काफी सारे ऑप्शन है, इसमें आप किसी पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, डाउनलोड हो जाए उसको इंस्टॉल कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद क्या करना है मैं आपको वो बताता हूँ। डाउनलोड होने के बाद में वो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से रहेगा, जैसे आप देख सकते हो मेरी स्क्रीन पर आ गया ये OBS स्टूडियो। ठीक है, अब इसको सबसे पहले हम ओपन करते हैं। आप जैसे इसको ओपन करेंगे आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, एक तरफ प्रीव्यू लिखा हुआ है, एक तरफ प्रोग्राम है। इसका मतलब ये है कि प्रीव्यू मेनू में हम जो भी अपनी स्क्रीन पे चला गए वो यहाँ पर दिखेगा, और लाइव जो हमारे फेसबुक यूट्यूब है उसका सीधा लाइव हमें यहाँ पर दिखेगा। ठीक है गाइस, इस सॉफ्टवेयर को यूज करने से पहले एक जो सबसे जरूरी सूचना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए गाइस आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट होना जरूरी है। ऐसा हो जाए, अब आपको यहाँ पर आना है सबसे पहले फाइल, इसके बाद में आपको जाना है सेटिंग में। ठीक है, नीचे स्ट्रीम वाले मोड पर आना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो तीन ऑप्शन आ रहे हैं, सर्विस, सर्वर और स्ट्रीम की। तो आप सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट की कर लीजिए कि आपको लाइव स्ट्रीम किस पे करना है। ट्विटर पर करना है, फेसबुक पर करना है, यूट्यूब पर करना है, या कस्टम यूआरएल में, यानी कई ऐसी साइट से जो जिन पर भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आपको आज फेसबुक लाइव बता रहे हैं। यहाँ पर फेसबुक लाइव सेलेक्ट कर लीजिए, सर्वर को डिफॉल्ट रहने दीजिए। अब स्ट्रीम की कहाँ से लाएगा, स्ट्रीम की के लिए तो मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। आप जैसे गेट स्ट्रीम की पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपका फेसबुक लॉगिन होना जरूरी है कंप्यूटर में, जैसा मेरा अभी ऑलरेडी लॉगिन हो रखा है। तो एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर दो ऑप्शन आ रहे हैं आपको, यहाँ पर गो लाइव और क्रिएट लाइव वीडियो इवेंट। तो इवेंट हमें नहीं करना अभी, गो लाइव करना, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इसको। ओके ठीक है, गो लाइव पर करते गाइज आपके पास ये देखो एक ऑप्शन आ गया स्ट्रीम की। आप देख रहे हो स्ट्रीम की FB और यहाँ पर सर्वर का URL है। ठीक है, तो आपको इस स्ट्रीम की को यहाँ से कॉपी कर लेना। ठीक है, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, और डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ से कॉपी कर सकते हो। ठीक है, अब जो कॉपी की है उसको यहाँ को सेलेक्ट करके आपको यहाँ पर उस की को पेस्ट करना। ठीक है, आप देख भी सकते हो शो करके, और आपको यहाँ पर अप्लाई करना है एंड ओके पर क्लिक कर देना। इतना करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर आ जाना है नीचे। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर ऐड लिखा हुआ है, ऐड करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ भी नाम लिख देना, जैसे मैं लिख रहा हूँ स्क्रीन। इसके बाद में ओके, उसके बाद में आपको यहाँ पर आ जाना है, ये ऑप्शन दिख रहा है शॉर्ट्स, इसमें से सेलेक्ट करना आपको कुछ भी, यहाँ पर प्लस करना है। इसके बाद में आपको सिर्फ ऑडियो शेयर करना है, वीडियो शेयर करना है। आप कोई वेब ब्राउजिंग कर रहे हो, कोई पेंटिंग कर रहे हो, डिस्प्ले कैप्चर, गेम खेल रहे हो, इमेज, इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। डिस्प्ले कैप्चर पर क्लिक करते हैं, इसके बाद में डिस्प्ले लिखा हुआ है और इसको ओके कर देते हैं। अब आप देखिए गाइस, हम स्क्रीन पर जो कुछ भी कर रहे हैं सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये डिस्प्ले हो गया। अब हम जैसे यहाँ पर इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट स्ट्रीम पर क्लिक करेंगे,
यहाँ पर जो आपको दिख रहा है कनेक्ट स्ट्रीम सॉफ्टवेयर विथ गो लाइव, तो वो जैसे हम इधर इसको स्टार्ट करेंगे ये इधर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और फिर हमें डायरेक्ट सिर्फ गो लाइव पर क्लिक करना है। तो चलो मैं एक म्यूजिक लगा के बताता हूँ आपको, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा हूँ स्क्रीन को। तो गाइस मैंने यहाँ पर VLC ओपन कर लिया और आप देख सकते हो इसमें मैंने एक मूवी प्ले की है, ठीक है। यहाँ पर ये मूवी इधर प्रीव्यू मोड है, इधर लाइव मोड है, ठीक है। अब जैसे ही हम यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करेंगे इसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। चलो मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ। अब मूवी स्टार्ट, इधर मूवी प्ले हो गई, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर हम स्टार्ट स्ट्रीम पर क्लिक करेंगे, ये कनेक्टिंग हो रहा है और ये यहाँ से ब्रॉडकास्ट होना स्टार्ट हो गया गाइस। अब आपको दिखा देते हैं, इधर देख सकते हो गाइस कनेक्टिंग लाइव वीडियोस हो रहा है। अब यहाँ पर भी कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पर हम जैसे वीडियो को प्ले करेंगे आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो गया। बस गो लाइव करते ही ये लाइव ब्रॉडकास्ट होना शुरू हो जाएगा। इधर देख सकते हो गाइस इधर भी लाइव चल रहा है, इसमें आप कुछ भी लाइव ब्रॉडकास्ट कर सकते हो यहाँ से सेलेक्ट करके। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जो भी आपको अपने हिसाब से लाइव स्ट्रीम करना आप सेलेक्ट करके कर सकते हो। फिर भी अगर आपको लाइव स्ट्रीम करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं।